नमस्कार, मैं सलोनी नांदे और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने कहा कि 5-6 दिन पहले उन्होंने देवेंद्र फडणवीस पर कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को जेल भेजने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने अभी कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने एक नई चाल चली है और सचिन वाजे, जो आतंकवाद और 2 हत्याओं के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ मिलकर उन पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने और भी क्या कहा, आइए जानते हैं। मैंने 5-6 दिन पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, इनके ऊपर जो मैंने आरोप लगाया था कि किस प्रकार से 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने उस वक्त के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इनको जेल में जाना चाहिए इसके लिए प्रयास किया, किस प्रकार से आदित्य ठाकरे जेल में जाना चाहिए इस प्रकार से एफिडेविट मेरे पास लाके आप उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप करो, आप आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप करो ताकि दोनों भी जेल में जाना चाहिए, इस प्रकार से जो एफिडेविट मेरे तरफ लाया था, ये बात मैंने जब उजागर किया जनता के सामने करके देवेंद्र फडणवीस की ये अभी नई चाल है। अभी देवेंद्र फडणवीस ने जो आज ये नई चाल खेली है कि देवेंद्र फडणवीस ने सचिन वाजे को पकड़ के उसका इस्तेमाल करके जो सचिन वाजे के बारे में हाईकोर्ट ने बोला है कि सचिन वाजे एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, गुनहगारी प्रवृत्ति की इसकी पूरी पार्श्वभूमि में बैकग्राउंड है, 2 खून के इल्जाम में उसको अरेस्ट किया गया है, आज भी वो जेल में है। और ऐसे गुनहगारी प्रवृत्ति के आदमी जिसकी बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता, जिसके स्टेटमेंट पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ऐसा खुद मुंबई हाईकोर्ट के जजमेंट में उन्होंने बोला है कि सचिन वाजे गुनहगारी प्रवृत्ति का है और उसके स्टेटमेंट पे या उसके बयानों पे कोई भी विश्वास करने लायक ही व्यक्ति नहीं, ऐसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। तो कम से कम देवेंद्र फडणवीस ने मेरे ऊपर आरोप लगाने के लिए ये गुनहगारी प्रवृत्ति का, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति उसको मिला, जिसके पर कोर्ट खुद बोलती है 2 खून के इल्जाम में सचिन वाजे जेल में है, और ऐसे ही इंसान को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी टोली मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, सचिन वाजे ये देवेंद्र फडणवीस जैसा जैसा बोलते वैसा वो बोल रहा है।